बड़ी खुशियां मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाने का सिलसिला जारी। शहर शहर मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के रूप परवर इस्तेमाल। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में सुन्नत इब्राहिम की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। जो कुर्बानी के फरीसे से फारिग हो चुके वो गोश्त बांटने निकल पड़े। घरों में हलाली कलेजे की तैयारी पर जोर। ईद के पुरमसरत मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, आज के दिन मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। ईद पर शहीदों को याद रखा जाए जिन्होंने वतन और कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। ईद पर भारतीय जबर के शिकार कश्मीरी बहन भाइयों और बच्चों को भी याद रखें। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगले मार्चों पर जवानों के शाना बशाना पारा चिनार में सरदों की हिफाजत करने वाले जवानों के साथ ईद मनाने पहुंच गए। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। वज़ीर आज़म ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि ईद पर जिस कदर मुमकिन हो मोहताजों और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। ईद कुर्बा पर ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखें जो सैलाब की तबाहकारियों से बेघर हुए। हुकूमत अपनी तमाम तवानाइयां अवामी रिलीफ पर सर्व कर रही है। बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूर को जिस कदर हो सका रिलीफ दिया। अल्लाह ताला आलम इस्लाम को अमन और सलामती और तरक्की का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम बहन भाइयों की मुश्किलात को खत्म करे। अफवाजे पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। आईएसपीआर के मुताबिक अस्करी क़यादत की जानिब से कहा गया, ईद उल अज़हा हमें अमन, इत्तेहाद, यकानिगत और नूह इंसान के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्श देती है। आज का दिन शहदाए पाकिस्तान की वतन अजीज के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और उनके शहदा को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। ये शहदाए वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पीटीआई जैसे बनी थी वैसे ही टूटी है, तो इसलिए टूटने में भी टाइम लगता है, मगर उन्होंने तो टाइम ही नहीं लगाया। मुल्क में इतनी माशी बदहाली है और गरीब जो हैं अफलास से भूख में हैं और लोग जो हैं बेरोज़गार हैं, और हम उनके मसाइल के लिए हमारी लीडरशिप और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप सर जोड़कर बैठे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसी तरीके से चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो। जैसे मिसाके जमहूरियत हुआ था उसी तरह मिसाके मईशत भी किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने आईएमएफ के साथ मुआहदा खिलाफी की जिसका बोझ अवाम को उठाना पड़ा। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए ताकि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। पीपल्स पार्टी किसी सियासतदान की ताहयात नाअहली के हक में नहीं, इसीलिए 5 साल की तरमीम की गई। 9 मई को पीटीआई का नजरिया दफन हो गया। अगर चेयरमैन पीटीआई पर साबित होगा तो वो भी जेल जाएंगे। पहले भी वज़ीरे आज़म जेल जाते रहे हैं। आईएमएफ की तकरीबन तमाम शराइत इसहाक डार साहब मान चुके हैं। काश ये पहले मान लिया होता। माशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बसियत कौम, हमें सोचना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। उसके लिए फहमो फरासत चाहिए और उसके लिए अपनी जात से बालातर होकर मुल्क के मफाद को अहमियत देनी है। माशी बेहतरी के लिए आम इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। हमें यकजा होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही है। इसहाक डार सब शराइत मान चुके, चंद रोज में आईएमएफ के साथ मुआहदा तय पाने का इम्कान है। बहुत से कारकुन जो कैद में हैं वो बेगुनाह हैं, इनकी रिहाई होनी चाहिए। बिजली की कीमतों में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। गंदम की फसल अच्छी होने के बावजूद गंदम 4,600 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है।
पाकिस्तान बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। मुल्की सलामती के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा कि मौशी सूरतहाल के पेश नज़र वतन को वापस लौटाने का वक्त है। इस सीट पर 1+1 फार्मूले पर अमल का अहद करें। गवर्नर सिंध की जानिब से 100 ऊँटों की कुर्बानी का भी अहतमाम किया गया, जिनका गोश्त मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। हम जमहूरियत को तमाम मसाइल का वाहिद हल समझते हैं। तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। जिस तेजी से लोग तहरीके इंसाफ में आए थे, उससे ज्यादा तेजी से निकल रहे हैं। इंतजार की सियासत करने वाले पीटीआई का हशर देख लें। वजीर इतलास सिंध शजील इनाम मेमन ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई का एजेंडा मुल्क को नुकसान पहुंचाने का है। सियासी बोनों को जबरदस्ती कुर्सियों पर बिठाया गया। अगर किसी के घर पर हमला करेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा। मुल्क इंतजार की सियासत का मुतहमल नहीं हो सकता। बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का मिलकर मुकाबला करना होगा। हमें मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों को भी नहीं भूलना चाहिए। बेर कराची मुर्तजा वहाब बड़ी ईद पर शहर कायद को आलाइशों से पाक रखने के लिए पुरुमीद। नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, सॉलिड वेस्ट के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। ईद के दिनों में 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। कराची के 25 टाउन्स में 110 कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे। लैंडफिल साइट पर 3 खंदकें खोदी गई हैं। कसाइयाँ भी मुँह मांगे पैसे ले रहे हैं, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसको कोई वो ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक ये पैसे मांग रहे हैं। कसाई इतने पैसे मांग लेते हैं कि कुर्बानी करना मुश्किल हो जाती है। बड़ी ईद पर कसाब वीवीआईपी बन गए। हर किसी को कसाई का इंतजार। जिनको कसाब मिल गया वो रेट सुनकर परेशान। लाहौर में पहले दिन बकरे की कुर्बानी का रेट 6,000 रुपए तक मांगते रहे। बछड़े या बैल की कुर्बानी के लिए 22,000 से 25,000 रुपए तक की डिमांड। मौसमी कसाई भी मैदान में मौजूद। लोगों की जेबों पर छुरियां चलाने के लिए धड़ाधड़ बुकिंग पकड़ ली। ईद उल अज़हा पर सब्जियों और मसाला जात के रेट बढ़ गए। टमाटर 80 से 100 रुपये फ़ी किलो बिकते रहे। अदरक 880 रुपये, लहसुन 450 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। धनिया की गड्डी का रेट भी ऊपर चला गया। सब्ज़ मिर्च और लीमू की कीमतें भी बढ़ गईं। गर्म मसाला जात की कीमतें भी 205 रुपये तक बढ़ गई हैं। ईद की खुशियों में सबको शामिल करने के लिए यूएई के सुपर स्टोर्स का एहसन इकदाम। खाने पीने की अशिया, कॉस्मेटिक्स, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई अशिया की कीमतों में 25 से 70% तक कमी। सार्फीन जुलाई के पहले हफ्ते तक रियायती कीमतों पर अशिया हासिल कर सकते हैं। सुपर स्टोर्स के औकात कार भी बढ़ा दिए गए। तुर्किया का पाकिस्तान के साथ मौशी तआवुन मजीद बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ को तुर्क सदर का फ़ोन। रजब तय्यिब एर्दोगान ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद दी। मौशी दिफाई और दीगर शोबों में इश्तराक मजीद बढ़ाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती और फरोग के लिए अज़्म का इरादा। आलमी और इलाकाई अहमियत के अमूर पर बाहमी मुशावरत और राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। 1.2 अरब डॉलर मालियत का नवा जायजा। नई शरायत पर अमल दरामद के बाद तैयार पाकिस्तान 2.6 अरब डॉलर मुंतकिल न होने वाली पूरी रकम वसूली का ख्वाहिशमंद। 2.6 अरब डॉलर के नए कलील मुद्दती प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरा शुरू। पाकिस्तानी आईएमएफ की शरायत के मुताबिक बजट में तब्दीली कर दी। कलील मुद्दती मुआहदे के लिए बिजली मजीद महंगी करने की शर्त भी मान ली गई। यूनिट 24.5 से 34 रुपये तक का हो जाएगा। सऊदी अरब और यूएई से 3 अरब डॉलर की फौरी फराहमी के लिए बातचीत जारी। आईएमएफ मिशन चीफ के मुताबिक पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात के लिए फैसला कुन इकदाम किए, फौरी मुआहदे के लिए कोशां हैं।
कराची में डाकों की दीदा दिलेरी, बाड़े में घुसे अमले को यरगुबाल बनाया, 80 से ज्यादा जानवर लूटकर फरार, मुसल्ला मुलजमान 3 से 4 घंटे तक बाड़े में रहे। लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख में चोली, कहीं बूंदाबांदी, प्री मॉनसून हवाएं सिंध में दाखिल, ईद से दिनों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। ईद के दूसरे दिन कराची में दरमियानी बारिश मुतवक्के, कोलू के पहाड़ी सिलसिले में शदीद तूफानी बारिशें, दरियाए लहड़ी में सैलाबी सूरतेहाल।